हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं जी शादी वाला चिकन। हम घर पे कैसे बनाएं, घर पे बनाना इसे बहुत इजी है, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर बनाते हैं इस मज़ेदार टेस्टी टेस्टी रेसिपी को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया हुआ था और चिकन को भी धो के अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो पहले हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। और ये देखें जी, चिकन हमने फ्राई कर लिया हुआ है, इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। और ये देखें जी, हमने सारा चिकन फ्राई करके रख लिया हुआ है और मैंने इसे बॉल में निकाल लिया है और एक्स्ट्रा ऑयल भी हमने निकाल लिया है। अब इसकी ग्रेवी हम रेडी करेंगे और ऑयल में सबसे पहले हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है मैंने, तेज पत्ता लिया है, जीरा लिया है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची ली है। और ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है सारे मसाले एकदम से जल जाते हैं। और इसे हम पहले लो फ्लेम पे थोड़ा सा भूनेंगे क्योंकि मसाले का फ्लेवर सारा ऑयल में आ जाएगा। उसके बाद मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है 5-6, इसके साथ ही मैंने 3-4 लौंग को क्रश करके डाला है और इससे थोड़ा सा भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके डाल देंगे और अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। पहले और ये देखें, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इसमें अब हम ऐड करेंगे जी अदरक लहसुन की पेस्ट को, ये मैं 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे भी पहले हम अच्छे से भून लेंगे। और प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से भून जाए उसके बाद इसमें ऐड करें जी कसूरी मेथी को। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ये भी डाल दी हमने। अब हम इसे भी पहले भून लेते हैं अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी नमक को। नमक डालने से क्या होता है, प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम। तो नमक डाल के अब हम इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। और नमक तो हमने डाल दिया, इसके साथ ही अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये मैंने टमाटर भी 4-5 लिए हुए हैं, तो ये डाल दिए जी हमने टमाटर भी। अब हम इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर आप ज़्यादा ऐड करें या टमाटर प्याज आप सेम सेम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें मसाले को बहुत अच्छे से भूनना होता है और जो इसका कच्चापन है वो निकलना चाहिए, तभी इसका टेस्ट आता है। तो अब हम डाल देते हैं जी हल्दी, इसके साथ ही अब हम डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल दें, नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था। अब हम मसाले को अच्छे से पहले भून लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और ये देखिए साइड साइड से ऑयल भी आ गया, तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करके थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। और ये गया जी चिकन भी। और अब हम चिकन को पहले मसाले में अच्छे से भून लेंगे, तो इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही भून लेते हैं। और ये देखें कितने अच्छे से भून चुका है, थोड़ी देर मैंने इसे ऐसे कवर कर दिया था। और ये देखें, बस थोड़ी देर हम इसे और भूनेंगे। चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और मैं 1 गिलास बड़ा पानी का इसमें ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो 2 गिलास भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें जी, बस थोड़ा सा इसे ऐसे मिक्स कर लें और इसमें मैं ऐसे 2 हरी मिर्च कट करके डाल रही हूँ। इसके साथ ही अब हम डाल देंगे जी गरम मसाला, ये मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है। तो बस थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे कवर करके रख देंगे पकने के लिए।
और अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। और ये देखें जी, हमारा मज़ेदार टेस्टी टेस्टी चिकन एकदम रेडी हो गया जी खाने के लिए। और देखें कलर भी एकदम चेंज और साइड साइड से एकदम ऑयल आ गया है और एकदम परफेक्ट शादियों वाला चिकन हमारा रेडी हो गया है जी खाने के लिए। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपके पास धनिया है तो वो भी ऐड कर लें। और ये देखें जी, हमारा मज़ेदार टेस्टी टेस्टी शादियों वाला चिकन एकदम रेडी हो गया जी खाने के लिए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।